मक्खी से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब लोग यहाँ के गांव छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मक्खी से इतना परेशान है हम लोग कि क्या बताएं। लाश जब 10 20 50 निकलेगा उसके बाद आएंगे पूछने कि क्या हुआ, किस कारण से इतना लाश निकल गया घर से। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम ससुराल से आ रहे हैं। तो ससुराल क्यों गए थे आप? मक्खी के लेके। मतलब मक्खी इतना ज्यादा? पूरा कहिएगा तो सर पूरा बच्चे के हम घाव दिखा देंगे। बच्चे के शरीर में घाव हो गया है पूरा मक्खी के चलते। जी ये यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और देखिए पूरा बेड पर जो है वो मक्खी से भरा हुआ है। मक्खी की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे हैं। घर में क्यों नहीं रह रहे हैं? घर में कैसे रहे? हाँ। माछी इतना मक्खी है, इतना मक्खी है सर, रह के क्या करेंगे? मतलब हर जगह मक्खी काट रहा है, सुबह भी काटा है, घाव हो गया, आज तो बिल्कुल खाना तक नहीं बना पाए हैं। खाना खाने में नहीं, हम लोग नहीं खा रहे, इतना वीकनेस हो गया कि क्या बताएं। उनको क्या एंजॉय कर रहे हैं, मजे में है, पैसा कमा रहे हैं। ऐसा जब मक्खी के कारण घुट घुट के मर रहे हैं, वैसे एक ही बार कह जाते मर जाएगा, मौत हो जाएगा, तो कह जाते कि अच्छा रहेंगे। जहर दे देता, गोली मार देता, एक बार में समाप्त हो जाता आदमी, इतना परेशानी नहीं होता। मक्खी देखिए, देखिए मक्खी, मक्खी कारण देखिए, मक्खी के कारण आपके हाथ लाल हो गए हैं। लाल हो गए सर, मुंह देखिए ना। मुंह देखिए। आप लोग रहते कहाँ पे? रहते कहाँ, यही रहते, कहाँ जाएंगे हम लोग? उनको शर्मानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के थाना प्रभारी को, जो अभी तक नहीं आए हैं। क्योंकि आने से पहले तो शंकर बाबू से पूछेंगे कि हमको उस गांव में जाना है, तो उससे पहले रोक लग जाएगा, वहां तो पैसा पहुंचता है। दोस्तों अभी हम बिहार के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां के लोग मक्खी से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब लोग यहां के गांव छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है इस गाँव के मौजूद है, और इन लोगों का कहना है कि ये लोग लगातार सरकार तक जो है अपनी बातें को पहुंचा चुके हैं, कंप्लेन भी कर चुके हैं, हालांकि इसके बाद भी जो है कोई इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, और बहुत सारे लोग जो है वो मक्खी के कारण बीमार भी हो रहे हैं। चाची ये बताइए कि ये कौन सा गांव है? ये छपरा में है, मुसहरी ब्लॉक का, प्रखंड का। मुसहरी ब्लॉक का ये छपरा गांव है? हाँ, छपरा में गांव, मुजफ्फरपुर में पड़ता है। हाँ। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग? परेशानी है, हम लोग मक्खी से बहुत ज्यादा परेशान है। मक्खी से परेशान? हाँ, इस जगह मुर्गी फार्म है ना। अच्छा। अंडा वाला है, उतना ही बदबू है, उतना ही माने मुर्गी उठा उठा के लाता है, कुत्ता तो दूरा पर रखता है, बिलाई लाता है तो घर में ले जाता है। तो ये कब से परेशानी आप लोगों के साथ हो? परेशानी है तो साल भर से, लेकिन 6 महीना से बहुत ज्यादा है। 6 महीना से बहुत ज्यादा है। और आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम जीत मतलब गांव में आने के बाद कोई भी जो लोग है वो घर में नहीं है, सारे लोग घर से बाहर है। हाँ, बहुत लोग बाजार भाग गए ना, मुजफ्फरपुर भाग गए, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, तो घर में रहेंगे। हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो फिर घर में रहते कैसे हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है हम लोग को, देखिए ना। हाँ। देखिए जो ये कैसे हाथ में, कैसे हाथ आपका लाल लाल मक्खी से? हाँ, ऐसा ही पूरा देश सरा हुआ था मक्खी से। मतलब ये सब मक्खी के कारण ही हुआ, मक्खी जो है शरीर पे बैठ। 4 गो नाती है दोनों बेटी में। हाँ। सबको, बेटी को भी अभी इन्फेक्शन से इलाज चल रहा है। अब सोचिए कि इस गाँव के जो लोग हैं वो मक्खी से इतना परेशान हो चुके हैं कि गाँव के लोग जो है वो लगातार बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं गूंज रहा है। क्या हो रहा है? मक्खी से इतना परेशान है हम लोग कि क्या बताएं। कोई प्रतिनिधि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। हर जगह ये मैनेज कर रखे हैं तो सुनेगा कैसे? हाँ। थाना प्रभारी है, उनको आना चाहिए ना। इतना जगह चला गया वीडियो, उनको पता नहीं चला है, जबकि एप्लीकेशन दिया हुआ है। हाँ। हर जगह तो मतलब इसके खिलाफ जो है आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि कैसे मक्खी की परेशानी जो है वो दूर हो सके, लेकिन इसके बाद भी किसी नेता मंत्री का ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं है। ध्यान हो ही कैसे सकता है, दबंग लोग है, दबंगा ही कर रहे हैं। यहाँ जब 10 20 50 लाश निकलेगा तब जाके समझ में आएगा। ऐसे एक तो बच्चा लगातार मक्खी के कारण बीमार भी हो रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ। सारा बच्चा है, गाय है, भैंस है। हाँ। बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं आप। हाँ। देख रहे हैं ना, देखिए। हाँ। कंडीशंस क्या देख रहे हैं कि जब से हम आए हुए हैं कोई इस गांव के जो लोग हैं वो अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, घरों से बाहर रह रहे हैं। बाहर चले गए, बहुत लोग हैं जो सक्षम में चले गए हैं, लेकिन गाय भैंस है, जो किसान है वो कहाँ जाएंगे, मजदूर है वो कहाँ जाएंगे? तो खाना होना खाने होने में भी बहुत प्रॉब्लम। खाना खाने में नहीं, हम लोग नहीं खा रहे, इतना वीकनेस हो गया कि क्या बताएं। उनको क्या एंजॉय कर रहे हैं, मजे में है, पैसा कमा रहे हैं। कौन? ललन सिंह। अच्छा, जो कौन है? है उसके। अच्छा, उसी का ना अंडा फार्म है। क्या? ललन सिंह का अंडा फार्म है। हाँ, चाची आप लोग घर में रह रहे हैं कि नहीं बच्चों को लेकर? रह रहे हैं तो देख रहे हैं। बच्चे को लेकर बाहर आप लोग रह रहे हैं? हाँ। घर में क्यों नहीं रह रहे हैं? घर में कैसे रहे? हाँ। माछी इतना मक्खी है, इतना मक्खी है, रह के क्या करेंगे? मतलब हर जगह मक्खी काट रहा है, सुबह भी काटा है, घाव हो गया, आज तो बिल्कुल खाना तक नहीं बना पाए हैं हम। ये हाल है, बना पाए।
और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस गांव के जो लोग हैं रात 10 बजे के बाद खाना बनाते हैं। 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद मक्खी भाग जाता है? भाग नहीं जाता है, प्रकोप कम हो जाता है। अच्छा, जो दिन में कंडीशंस है देख रहे हैं उसमें कैसे बैठना, खाना बनाना, खाना कोई भी काम नहीं हो सकता है। होगा कि भाई आता है, इतना डिप्रेस हो गया है इंसान, डिप्रेस हो गया है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है, क्या बताएं हम। बहुत परेशान आप देख रही है, जब कोई पदाधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, देखिए क्या होता है। लाश जब 10 20 50 निकलेगा उसके बाद आएंगे पूछने कि क्या हुआ, किस कारण से इतना लाश निकल गया घर से। तो आपको लगता है कि जब तक इस गांव से 10-15 लाश नहीं निकलेगा तब तक नेता मंत्री का ध्यान नहीं जाएगा? नहीं, उसके बाद आएंगे खबर लेने की क्या कैसे हुआ नहीं हुआ, अभी कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोचिए कि इस गांव के जो लोग हैं वो मक्खी के कारण कितना परेशान है। एक बार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए घर में आने के बाद जो है ये यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और देखिए पूरा बेड पर जो है वो मक्खी से भरा हुआ है। और इस तरीके से आप घर के जब अंदर जाएंगे तो किचन हो जाए, रूम हो जाए, वॉशरूम हो जाए, आंगन हो जाए, हर तरफ जो है कहीं ना कहीं मक्खी ही मक्खी नजर आ रहा है। और इसके अलावा लोग जो पशुओं को पाले हुए हैं उसको भी रखने में काफी परेशानी होता है। गाय भैंस को कहाँ रखते हैं? गाय भैंस को बथान में रखे हुए हैं, चलिए ना दिखा देते हैं। तो वहाँ भी पूरा मक्खी से जानवर लाते हैं, भर बाल्टी मक्खी हो जाता है, बहुत परेशानी होता है। चाचा क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी मक्खी से हो रहा है, हम लोग बीमार पड़ते हैं, गरीब आदमी है, कमाते हैं, महीना में 2 दिन कमाते हैं, ब्याज पर रुपया लेकर बाल बच्चा को अपने इलाज कराते हैं, हम लोग क्या करें, गरीब आदमी मर रहे हैं। मक्खी मक्खी देखिए, देखिए मक्खी मक्खी कारण, देखिए ये मक्खी के कारण आपके हाथ लाल हो गए हैं, लाल हो गए सर, मुंह देखिए ना, मुंह देखिए। आप लोग रहते कहाँ पे? रहते कहाँ, यही रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग, हम लोग कहाँ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग गांव को छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। पर सब लोग गांव छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? वो कहीं चलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो गरीब यहाँ किसी घुट घुट का मोड़ेंगे। ये सब परेशानी हो कैसे? मुर्गी फार्म से हो रहा है हम लोग का परेशानी। के घर के बगल में तो कोई भी कारखाना, कोई भी मुर्गी फार्म लगाना अलाउ नहीं होता है, गांव घर से दूर होता है। फिर लगाए तो हम लोग जाने ये कैसे लगा दिया, हम लोग को परेशानी हो रहा है, हमको परेशानी दूर होना चाहिए। हम लोग का सोचिए भी रोक लगा था, शुरू में भी रोक लगा था, हम लोग के परिवार से बोले थे जेंट्स लोग कि मुर्गी फार्म हम लोग के लिए नहीं है, ये सब माने दूसरे आदमी के लिए है। तो हम लोग तो भूमिहार है, तो भूमिहार के तो ये करना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत दिक्कत परेशानी होता होगा फिर भी, क्योंकि घर में जहाँ भी हम अंदर जाके देख रहे हैं जगह मक्खी दिखा दिए है ना, देखिए ना लिए हैं, बेड पर जाके देखिए अंदर में जो कितना मक्खी है। एक बच्चा दिखाइए, चलिए बेड पर, चलिए घर में चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि मक्खी के कारण इस गांव के लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि मजबूरी में गांव छोड़ने को भी, घर छोड़ने को भी मजबूर हो चुके हैं। इस घर में दिखाइए, ये देखिए, ये बेड पर अगर आप देखेंगे तो पूरे मक्खियों से बेड जो है कहीं ना कहीं भरा हुआ है। यानी कि घर हो जाए, आंगन हो जाए, किचन हो जाए, वॉशरूम हो जाए, बेड हो जाए, हर जगह मक्खियों से कहीं ना कहीं भरा हुआ है और पूरे गांव के जो लोग हैं परेशान हो चुके हैं। बाबू मक्खी हर जगह रहता है जी, मक्खी की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये हम मुर्गी फार्म की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। क्या क्या परेशानी हो रहा है, किसकी वजह से? मुर्गी की वजह से, मुर्गी की वजह से। उसकी जो मक्खियां हैं वो आते हैं हम लोग के शरीर पे बैठते हैं, जहाँ पे वहाँ पे इचिंग होने लगता है और रेड कलर का हो जाता है। तो मतलब मक्खी से दिन भर घर पे जब भी रहते हैं तो लगातार परेशानियाँ होता है जी। तो पूरे घर में हर जगह मक्खी भरा हुआ है जी, कहाँ कहाँ अब देख ही तो रहे हैं। देखिए मक्खी कहाँ नहीं है, देखिए मक्खी, चलिए गाय को दिखाते हैं, गाय को दिखाते हैं। सोचिए छोटे छोटे बच्चे जो है घर पे रह के कहीं ना कहीं पढ़ाई होते हैं, बड़े आदमी की भी हो जाता है, सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, पूरा हाथ जो है वो लाल हो चुका है मक्खी की वजह से। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि इस गाँव के लोग जो है मक्खी के कारण कितना परेशान हो चुके हैं। अब आप लोग गाँव में ही रहेंगे कि बाहर भी जाएंगे कहीं अगर परेशान? नहीं बाहर तो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे यहीं पे, पहले तो जा रहे हैं आंदोलन करेंगे, अब हम लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम ससुराल से आ रहे हैं। तो ससुराल क्यों गए थे आप? मक्खी के लेके, मतलब मक्खी इतना ज्यादा? पूरा कहिएगा तो सर पूरा बच्चे के हम घाव दिखा देंगे। घाव दिखा देंगे, पूरा बच्चे के शरीर में घाव हो गया है पूरा मक्खी के चलते जी। और आप जो है मक्खी के कारण अपने ससुराल चले गए जी, तो गांव कहे छोड़ दिया आप? मक्खी के चलते गांव छोड़ दिया। हाँ मक्खी के चलते। तो अब फिर वापस आ गए तो फिर परेशानी तो होगा ना गांव में? और तो हुआ कितना दिन रहेंगे ससुराल में? कितना दिन रहेंगे? अब सोचिए कि मक्खी के चलते सर अभी बोलिएगा ना घाव दिखा देंगे, डॉक्टर यहाँ का भी रिपोर्ट भी है सर।
बाकी गांव के एक चाचा है, इनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, मक्खी से बहुत परेशानी हो रहा है आप लोग को? बहुत परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे बीमारी और महामारी दोनों होने वाला है। हाँ, बीमारी तो बीमार तो लोग पड़े रहे हैं, अब महामारी महामारी जो है सो आने वाला। परेशानी हो कब से रहा आप लोग के साथ में? ये दो साल से हो रहा है। दो साल से हो रहा है, तो क्या आप लोग इसके इधर 8-9 महीना से ज्यादा, माने बहुत ज्यादा, हाँ हाइब्रिड मक्खी हो गया। हाइब्रिड? हाँ। और वो बच्चों को काटता भी है क्या मक्खी? हम लोगों को भी काटता है। आप लोगों को भी काटता? हम लोगों की रात में सोने वोने के समय, खाना वाना खाने के समय भी उसमें पड़ जाता है। पड़ जाता है, पड़ जाता है। मच्छी लगता है रातों में, उजर का बत्ती पर रातों में उड़ता है, रातों लगता है। में भी मक्खी दिखता है। एक और चाचा है, ये रात में कटा है से देखिए, पूरे देखिए इनका हाथ जो है, ये चाची का लाल हो गया है मक्खी के काटने के कारण। यानी कि लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो बहुत परेशानी हो रहा है। बच्चे को देखिए क्या हाल है, मक्खी है देखिए, ये पूरे शरीर पर मक्खी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सोचिए छोटे छोटे ये मासूम बच्चे हैं और ये मक्खी के कारण कहीं ना कहीं बीमार होते जा रहे हैं। नहीं, मैंने मक्खी का बीट दो साल से जमा है उसमें, जो हटाया नहीं गया है। हाँ। अब नहीं हटाते, नहीं हटाता, नहीं हटाता। क्या नेता लोग है ना, जो पैसा के भूखल है, पैसा के भूखल। हाँ, एकदम पैसा होता तो अब तक कोई आके इस पे काम हो गया। हाँ, हो जाता है। चुनाव अगर होता चाचा, सब आदमी दौड़ गए रहते, सारे नेता मंत्री विधायक लोग आते वोट के लिए, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक आ गए होते। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं है, दबंग लोग है, पैसा दे करके उसको दबाए हुए हैं, आने नहीं देते। अभी आपका जो उम्र कितना होगा चाचा? 80 साल। 80 साल, बहुत परेशानी होता होगा आपको घर में रहने में, खास कर परेशानी खाने में, रहने में, दूध में तो कई दिन दूध फेंक दिए हैं, उठा लेते हैं दूध, खरीद दूध में मक्खी पड़ जाता है, खाना में मक्खी पड़ जाता है, और माल जाल भी रखने में बहुत बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, उसका कोई वर्णन नहीं। हाँ। सरकार सुन रही है, ये दरखास्त सीओ से लेकर के थाना से लेकर के मुख्यमंत्री तक चला गया। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब सोचिए कि ये लोग लगातार लेटर लेटर लिखते लिखते भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, और ये परेशानी आज से नहीं बल्कि पिछले 6-8 महीने से हो रहा है, और इसके बाद भी जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? हाँ चाची, आपको भी मच्छर पूरा हाथ में काटा हुआ है? मक्खी से तो देख रहे हैं, ये क्या मक्खी काट के लाल लाल कर दिया, लाल कर दिया है। तो मतलब आप लोग कभी कभी रोना आता होगा गांव के, जाओ कभी कभी खूब रो लेते हैं, लेकिन क्या करें, कोई उपाय ही नहीं है। घर भी तो नहीं छोड़, घर भी नहीं छोड़ सकते, बच्चा है, सारे लोग, बच्चा है, किसान हम लोग है, तो कहाँ पर जाएंगे, कोई उपाय नहीं है हम लोग को बाहर जाने का। सरकार से क्या कहना चाहेगी आप? कहना चाहेंगे मुर्गी फार्म बंद किया जाए, बंद अगर नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पर अनशन करके वही उसी गेट पर प्राण लेते हैं। अब पूरे गांव के लोग, अगर मुर्गी फार्म बंद नहीं होता है तो आप लोग धरना पे बैठे, धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं पे सब कोई आत्महत्या कर लेगा। जब इतना लेटर लिखे आप लोग तो सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं गूंजा, तो क्या धरना प्रदर्शन करने से सरकार सुनेगी आप लोग की बात? नहीं सुनेगी, तो उसके बाद सुनेगी ना, जब इतना लाश वहाँ पे बिछ जाएगा तो उसके बाद सुनेगी। इतना कौन जिएगा इसमें, कौन जिएगा, आप ही बताइए ना। आप इतना देर में परेशान हो गए हैं, हम लोग 24-24 घंटा रोज झेल रहे हैं इतना दिन से। तो घुट घुट के मर रहे हैं, तो घुट घुट के काहे सर मरेंगे? ऐसे जब मक्खी के कारण घुट घुट के मर रहे हैं, वैसे एक ही बार कहे छतिन मर जाएंगे, मौत हो जाएगा, तो कहे छतिन की अच्छा रहेंगे, जहर दे देता, गोली मार देता, एक बार में समाप्त हो जाता आदमी, इतना परेशानी नहीं होता। सरकार तक आवाज जाने के बावजूद बैठा दिया जाएगा, जैसे बैठा दिया गया नेता मंत्री से लेके पुलिस प्रशासन सब। हाँ। उनको सर मानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के थाना प्रभारी को, जो अभी तक नहीं आए हैं। हाँ। क्योंकि आने से पहले तो शंकर बाबू से पूछेंगे। हाँ। कि हमको उस गांव में जाना है, तो उससे पहले रोक लग जाएगा, वहाँ तो पैसा पहुँचता है। हाँ। सैलरी तो उनकी तरफ से दिया जाता है ना। कि शायद अभी के समय में चुनाव होता तो यहाँ के तमाम नेता मंत्री जो विधायक है इन लोगों के पास पहुँच जाते और सारा समस्या खत्म हो जाता है। विधायक हुए, सांसद हुए, कहीं तक आवाज नहीं गया है, ऐसा हो सकता है? इतना दूर से लोग सब गया होगा, इसके बाद भी वो लोग नहीं सुन, दिया गया है दबा दिया गया है। हाँ। यहाँ पे लाश बिछेगा, उसके बाद वो लोग आएंगे। चलिए, बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गांव के जो लोग हैं वो मक्खियों से काफी परेशान हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर वीडियो आप लोग शेयर करेंगे तो सरकार तक ये बातें पहुँचेगी और इस गाँव पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि लगातार देखिए क्या इससे ज्यादा हुआ था,
ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये घाव मक्खी के कारण हुआ है। जहाँ बैठता है वहाँ लाल कर देता है, वहाँ घाव हो जाता है। मक्खी बैठता है सर, ऐसे ऐसे खुजलाता है बच्चा, बस नौ लग जाता है, उसमें फुंसी हो जाता है, घाव हो जाता है। क्या माछी की वजह से? देखिए, ये देखिए मक्खी की काटा है सर। हाँ देखिए, पूरा हाथ में इनका मक्खी काटा हुआ है, बहुत काटा हो चुके हैं आप लोग। क्या बोलता है, अमर पासवान है, पासवान के हैं, वो वोट लेने के लिए आएंगे, बाकी और चीज के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं आए हैं। सुना होगा तो पासवान जाति से हमें वोट चाहिए, वोट चाहिए, बाकी यहाँ पब्लिक मर रहा है, उनका जात ब्यादर मर रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है, नहीं कोई मतलब है ना। वो बोल रहे हैं कि ऊपर का प्रेशर है, किस बात का प्रेशर है? विधायक किस चीज के हैं? सही बात है। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि इस गांव का जो समस्या है वो खत्म हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।